गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और अभी करीब बज रहा है 5:30 और हम लोग आज जल्दी चल गए थे, तो अभी गाड़ी वगैरह निकालते हैं बाहर। और आग ताप रहे, इतनी देर से आग जला रखी है। सब लंच कर रहे हैं और अभी कोई नहीं, मशीनों पर सिर्फ वो बैठा हुआ है बस। तो भाई कोई भी नहीं, अब काम भी है ही नहीं, काम काम सीधे सीधे से हो रखे। और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। जाओ भाई जाओ, सो रहे हो यहाँ। प्रेम देख कैसा कर रहा है, जाओ। जाओ जाओ जाओ। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सन 2024 जाने वाला है और 25 आने वाला है, ओह सॉरी 22 जाने वाला, 23 आने वाला है। तो आप लोग नए साल की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अभी से, और यानी आगे भी दे देंगे वीडियो में। तो अभी मैं जैसे कि पार्किंग में आज आ चुका हूँ, थोड़ा जल्दी, आज थोड़ी ठंड कम थी इसीलिए मैं 9:08 पर यहाँ कंपनी पहुँच गया हूँ। और चैनल पर बने रहे, आप लोगों ने भी पीछे देखा कि हमने कबूतर पकड़ा था। तो जैसे कि मेहमान आया था, वो एक सबकी गाड़ी खड़ी है भाई साहब, पता नहीं कब अपना सपना पूरा होगा। लंच करके बैठे हुए हैं, तो आप देख ही सकते हो कपड़े का सूर पूरा रखा हुआ है। और देखिए इधर, ये इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, ये देखिए सारी कटिंग रखी हुई है, टेबलें लगी हैं। और तो मैं तो यहाँ पे जैसे नौकरी कर रहा हूँ हेल्परी, तो आप लोग बताओ, क्योंकि मेरे आगे मेरे पीछे मेरे परिवार है और मुझे उसे भी देखना है, परिवार को। तो चल रही है कहानी, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अपना प्यार दे रहे हो, तभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालता। और मुझे यकीन है कि आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे अपना, और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा होगा, जो कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। मैं कुछ अलग यूनिक सा करना चाहता हूँ एक बार। आप लोग बस सपोर्ट करिए, और मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं जो कि शायद किसी ने देखी हो या ना देखी हो, पर मैंने देखी है। मेरे साथ, मेरे पीछे भविष्य और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरा हूँ और आज पहुँचा हूँ इस हालात पे। तो इस हालात पे पहुँचाने वाले का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि मेरे फादर हैं और मेरी मम्मा हैं। और अब जैसे कि शादी उदी तो हो ही गई है आप लोग, तो इसी वर्ष सन 2022 19 मार्च अप्रैल को मेरी शादी हुई है। और मेरा भाई है वो पढ़ रहा है बस, और मैं काफ़ी सारी मैंने जॉब वगैरह प्राइवेट में देखा हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ा, जैसे मैंने बीएससी कर तो कर रखी है, पर मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो उसी वजह से मैं मार खा जाता हूँ। और मैंने HDFC क्लियर हो गया था, जब मैडम की बारी आई तो मैडम ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने कोई भी बात नहीं, नोएडा सेक्टर 62 था और लोनी बहुत दूर है, तो मुझे यहाँ से अराउंड 1.5 घंटा करीब लगा करता, 1.5-2 घंटे आने जाने में और 2 घंटे आने में, तो 4 घंटे यही हो जाते। और फिर मैंने कनेक्ट में भी ट्राई किया था, जब मैंने कभी किसी जॉब के लिए गए ही नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ से इंटरव्यू देने की नॉलेज हो। और मैं हमेशा से सिलाई किया है, सिलाई करते हुए मुझे करीब मैं सन 2011 अगस्त में दिल्ली आ गया था, और तब से सिलाई ही कर रहा हूँ, जो कि मेरे परिवारजनों ने काफ़ी सारे मुसीबतें देखी हैं। और फट्टे का जो पन्नी की दीवार होती थी हमारे यहाँ पे गांव में,
तो उसे तो हम लोगों ने खैर सही करा लिया था इसी तरीके से काम कर करके। और उसमें फिर हम लोगों ने और हमारे फादर ने एक नया मकान लिया था, तो उसमें एक कमरा बना हुआ था। और कमरा बना हुआ था और टीन पड़ी थी, तो वो ठाकुर मामा का था तो हम लोगों ने ले लिया था। और उसके करीब 6-7 महीने बाद पैसे दे के जो पावर टोनिंग होती है लिखवा लिया था, तो लिखाने के बाद में वो हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे किराए पर रहते रहे दिल्ली में, तो गांव में तो दिल्ली में किराए पर रहते रहते फिर जो हमारे मकान मालिक थे उन्होंने हमारा साथ दिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।